व्यूज़, यहाँ पे इरफान कराटे सेंटर में कुछ बच्चियाँ जो सीख रही हैं, ये उसमें से एक दो बच्चियाँ जो हैं। मैं अक्सर गुजरता था, जिनको देखता था कराटे सेंटर को, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरी बेटियाँ हैं तो इनको सीखना चाहिए। व्यूज़, यहाँ पे इरफान कराटे सेंटर में कुछ बच्चियाँ जो सीख रही हैं, ये उसमें से एक दो बच्चियाँ जो हैं उनके फादर हैं यहाँ पे, और ये हमें बताएंगे कि इरफान कराटे सेंटर जो है उसकी कारकर्दगी क्या है, और ये अपनी बच्चियों को यहाँ ला के क्या महसूस करती हैं कि यहाँ लाने के बाद, कराटे सिखाने के बाद वो क्या महसूस करती हैं कि बच्चियाँ कितना अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रही हैं और हर फील्ड में अपने आप को किस तरह बेहतर बना रही हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर गुजरता था, जिनको देखता था कराटे सेंटर को, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि मेरी बेटियां हैं तो इनको सीखना चाहिए, इनको इतना तोहफा देना चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बेफिक्र घर बैठ जाऊँ, ये खुद स्कूल कॉलेज जाएँ, स्कूल जाएँ, इनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, हर चीज़ जज्बा होना चाहिए इनमें। इन बच्चों को मैंने कराटे सेंटर लेकर आया हूँ, यहाँ का माहौल देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं मुनव्वर साहब से मिला, माशाल्लाह मुझसे बड़ा तावन किया, मैं अपने बच्चों को लाना शुरू कर दिया। अब माशाल्लाह एक मेरी बेटी जो है वो पंजाब लेवल पे है, दूसरी पंजाब चैम्पियन है, गोल्ड मेडलिस्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल में है जी मेरी फातिमा। अब मैं इस चीज़ का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बच्चे साइकिल पर जाते हैं स्कूल, मुझे बच्चों की फिक्र नहीं है कि इन्हें कोई छेड़ेगा, ये डर जाएंगी, खौफजदा होंगी, अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। बच्चों को अब देना चाहिए हमें, क्यों अब कब तक बच्चों के पीछे भागेंगे, कब तक बच्चों के साथ चलेंगे, अब हम उम्र देखेंगे कि बच्चों के साथ साथ जाएंगे, कुछ छेड़े ना इनको, क्यों ना इनको बताएं कि आप नज़रअंदाज करें हर चीज़ को, हर चीज़ को नज़रअंदाज करके जाएं, बेफिक्र होकर जाएं, क्यों आप इस कौम की चीज़ें हैं, आप सीखिए सारा कुछ, आपको डरना नहीं चाहिए, फिर आपको उस्ताद इतने अच्छे हैं, इनको सिखा दिया आपको, अब कॉन्फिडेंस बच्चों में पैदा है, खुद जाते हैं खुद आते हैं। अच्छा सर, आप बच्चों के वालदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी बच्चियों को, बच्चों को कराटे सिखाएं, सेल्फ डिफेंस सिखाएं, ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी क्या अहमियत है? मैं तो यही मशवरा देना चाहूँगा कि अब जो के हालात हैं इस मुल्क के, जो चीज़ें अब जा रही हैं, वो अपने बच्चों को सिविल डिफेंस सिखाएँ, अपने बच्चों को अपनी हिफाजत खुद करना सिखाएँ, ताकि बच्चे हर चीज़ के लिए आज़ाद हों, जाना चाहें, इनसे फ्रैंकनेस हो, इनको दोस्ताना माहौल दें। कब तक बच्चों की आप हिफाजत करेंगे, कब तक आप जिम्मेदारी उठाएंगे बच्चों की, कब तक आप बच्चों के पीछे पीछे भागेंगे, मेरी बच्ची जा रही है कोई छेड़े ना, क्यों ना हम इनको सिविल डिफेंस दिखाएं, क्यों ना हम इसको ऐसा दिखाएं कि अपनी हिफाजत कर सकें, इनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो, ये चल फिर सकें, हम घर में स्कूल से बैठेंगे, हमारे बच्चे अब बाहफाजत जा रहे हो, इंशाल्लाह ताला बाहफाजत आएंगे, वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इरफान कराटे सेंटर से कराटे सीखे हैं, हर चीज़ जानते हैं, मैं लोगों को मशवरा दूंगा, इधर तोहफत भी है, सरकारी जगह भी है, और बहुत अच्छा निज़ाम है, और इंस्ट्रक्टर सब अच्छे हैं, प्यार करने वाले, यहाँ के असूल है, मुझे असूल बहुत पसंद है, इन लोगों के बहुत ही अच्छे असूल हैं इनके, कोई लड़का लड़की को नहीं छेड़ेगा, कोई बदतमीजी नहीं, बड़े तरीके से हाज़िर रहते हैं सारे, कोई गैर हाज़िर नहीं, बड़े तरीके से सिखाया जाता है, हर चीज़ हर दाव हर पेज सिखाया जाता है, सिविल डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, ये सेंटर मुझे बहुत पसंद है, और तकरीबन मैं 2016 से यहाँ आ रहा हूँ, और मैं कोई शायद ही नागा छुट्टी हुई हो, मैं अपने बच्चों को बिना लेके आ रहा हूँ, और मुझे अपने बच्चों में भी कॉन्फिडेंस है, अदारे में भी, आप भी अपने बच्चों को लेकर आएँ और विज़िट करें, आए मुतमिन देखें, पहले विज़िट करें आप आकर, और देखें अल्हम्दुलिल्लाह, फिर आप लेकर देखें आप कितना प्यारा काम है इधर है,
कितने प्यारे डिफेंस दे रहे हैं, कितने प्यारे तरबियत सिखा रहे हैं। आप यकीनन घर में स्कूल से बैठेंगे, आगे बच्चे अकेले आएंगे और अकेले जाएंगे, आपको ये फिक्र नहीं होगी कि मेरे बच्चों को किसी छेड़ना, मेरे बच्चे अकेले गए कुछ होना जाए इनको। इंशाल्लाह ताला ये मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये दो मेरी बच्चियाँ हैं जवेरिया फातिमा और ईशा मुस्तफा चौधरी। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, साइकिल पर भी आती हैं, कब मैं तबीयत मेरी ठीक ना हो 15 दिन नहीं, ये साइकिल पे आती, साइकिल पे जाती है। मैं बेफिक्र होता हूँ कि मुझे बच्चे अपना डिफेंस जानते हैं, कर लेंगे। ये सब मतलब कराटे सेंटर से मैंने सीखा है, ये सब कुछ यहीं से हुआ है। ये दारा इसलिए बहुत महफूज है और आपको तहफ़ के दामन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।